हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चुका हूँ बिहार अपने गांव में, और गाइस इधर का जो नज़ारा है काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो गाइस हम चलते हैं इधर घूमने के लिए और देखते हैं इधर का नज़ारा कितना मस्त। देखो यार कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, इधर देखो। तो हम चलते हैं और बैक कैमरा से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इधर बिहार का नज़ारा। ये सब लोग किसान लोग खेती किए हैं, ये मेरा ही खेत है ये वाला, काफ़ी मस्त दिखाई दे रहा है। तो मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग एक और चीज दिखाना भूल ही गया था यार, ये देखो, ये है काफी जबरदस्त मशीन जो पानी देता है। ये देखो इधर से ये इसको चलाना पड़ता है, इसको चलाते हैं इसमें पानी डाल के। तो इधर से पानी आता है, इधर से आने के बाद इधर से पानी आता है, इसको चालू भी करना पड़ता है। ये देखो ये है खेतों में पानी डालने वाला मशीन, ये पूरा खेत में पानी डालने वाला मशीन है ये। तो अभी और इधर भी मैं चलता हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इधर का नज़ारा कैसा है। तो चलो चलते हैं गाइस। तो फाइनली हम आ चुके अपने खेत में और छीट रहे हैं खाद। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा खाद होता है, और ये सब ही हमारा ही खेत है। ये है गाइस खाद, ये खेत में मारने वाला। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खेतों में खाद क्यों डाल रहा है। अगर गाइस हम इस खेत में अगर खाद नहीं डालेंगे तो ये खेत सूख जाएगा। ये पीछे में जो आप देख रहे हैं ये सब सूखा सूखा है। अगर इसमें हम खाद नहीं डालेंगे तो इसमें हरियाली नहीं आएगा और इसमें फसल नहीं आएगा। तो इसके वजह से हम इसमें खाद डाल रहे हैं और अच्छा फसल आएगा इसमें। तो देखिए ये हमारा छोटा भाई है, वो डाल रहा है। इधर आओ, इधर पूरा हो गया खेत में खाद। तो गाइस हो गया, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ये रही हमारी बाइक, तो हम निकलते हैं यहाँ से, चलो चलते हैं। गाइस हमने पूरे खेतों में खाद डाल दिया और अंधेरा भी होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।